Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Tuska with MH. MH means Minahil Hafiz. So in today's video, I'm going to show you how to make a very delicious and different recipe, which is called chicken sliders. ये recipe बहुत मज़े की बनती है and if you make this and serve this to anybody, वो ज़रूर आपको इसकी recipe पूछेंगे. So make sure you keep on watching the video until the end. And if you do try this recipe, then don't forget to give me your feedback. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so you can be the first one to watch my videos. Are you ready? Let's go! तो सबसे पहले जो है वो हम डो तैयार करेंगे और ये हैं वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए. तो सबसे पहले जो है वो हम डो के लिए यीस्ट को ब्लूम करने रख लेते हैं. सो हियर आई हैव इज अबाउट हाफ अ कप ऑफ वार्म वाटर. ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए पानी हमें. और पानी में जो है वो यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबल स्पून ऑफ ग्रैनुलेटेड शुगर हैं, हम वो डाल देंगे. उसके अलावा जो है यहाँ शुगर के बाद मैं ऐड करी हूँ यीस्ट, और ये मैं ले रही हूँ अबाउट 1.5 टीस्पून ऑफ यीस्ट इज़ वेल, ड्राई इंस्टेंट यीस्ट. तो इसको भी हम पानी में ऐड कर देंगे. और अब जो है हम अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे. एंड वंस एवरीथिंग इज़ मिक्सड, यहाँ पे मैं इसको एक प्लेट से कवर करके रख दूँगी फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, या फिर जब तक कि ये ब्लूम ना हो जाए. तो ये हमारी रेसिपी का मेन पार्ट है, यीस्ट का मिक्सचर. इसके अलावा यहाँ पे एक बोल में मेरे पास है 1/2 kg ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लावर और 500 ग्राम्स. और इसको सॉफ्ट करने के लिए, डो को सॉफ्ट बनाने के लिए, आई विल बी एडिंग 2 टेबल स्पून ऑफ फुल क्रीम मिल्क पाउडर, अबाउट 1/2 teaspoon ऑफ सॉल्ट. हियर आई हैव इज 3 टेबल स्पून ऑफ वेजिटेबल ऑयल. और जैसे ही ऑयल डल जाए, यहाँ पे आप देख लें कि मेरा जो यीस्ट का मिक्सचर था वो भी फुली ब्लूम हो चुका है, तो हम वो भी ऐड कर देंगे. एंड टू इंश्योर दैट दिस डो इज़ वेरी सॉफ्ट, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक एग, इससे डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनती है. उसके बाद जो है अब हम इसको अच्छी तरह से नीड कर लेंगे, आटे को गूंद लेंगे अच्छी तरह से डो को. और नीडिंग जो आप नीड कर रहे होंगे डो को, सो इफ़ यू थिंक यू नीड मोर वाटर, तो आप इसमें से वार्म वाटर ऐड करें. ऊपर से जाओ आप थोड़ा सा वार्म वाटर ऐड करते रहें. और मेक श्योर यू नीड दिस वेरी वेल फॉर अ गुड 5 to 10 मिनट्स. इससे जो है वो डो आपकी बहुत अच्छी फ्लफ़ी और एरी बनेगी. तो यहाँ पे जो है वो डो हमारी तैयार हो चुकी है. तो इसके ऊपर से जो है वो मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी एंड आई एम गोइंग टू लेट दिस राइज इन अ वार्म प्लेस. और यहाँ पर आप देख लें कि डो जो है वो मेरी राइज हो चुकी है. तो हम आगे की रेसिपी की तरफ चलते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हम डो को पार्ट्स में कट कर लेंगे. तो यहाँ पे जो है वो मैं डो को 9 पार्ट्स में कट कर रही हूँ. तो यहाँ पे आप देख लें कि डो को जो है वो मैंने पोर्शंस में डिवाइड कर लिया. तो अब जो है वो हम ईच पोर्शन को लेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक स्मॉल बॉल्स फ्रॉम ईच वन ऑफ द पोर्शंस. और इस तरह से जो है वो आप बॉल बना लें अपने हाथों में एंड मेक श्योर यू मेक अ स्मूथ बॉल. तो डो जो आपकी तैयार हो जाए, तो सबसे पहले जो है वो हम पैन को ग्रीस कर लेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. तो यहाँ पे आप देख लें कि डो को जो है वो मैंने डो के जो बॉल्स हैं उनको पैन में अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है. और अब जो है वो हम इनको प्रूफिंग के लिए रख देते हैं, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइजिंग. तो यहाँ पे जैसे आपके डो के बॉल्स तैयार हो जाएँ, तो आप इसको एक क्लॉथ के साथ कवर कर लें एंड यू कैन लेट दिस सेट फॉर अबाउट 20 मिनट्स इन अ वार्म प्लेस. तो आप इसको माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं विदाउट टर्निंग इट ऑन. इन द मीन टाइम वी कैन स्टार्ट मेकिंग आवर एग वॉश. तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है, 1 egg, उसको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे. एंड वंस यू डन बीटिंग इट, यू कैन जस्ट सेट दिस असाइड. और फिर जब बाद में हमारे स्लाइडर्स तैयार हो जाएंगे, तो हम उसके ऊपर से ब्रश करेंगे. तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारी डो जो कितनी अच्छी तरह से प्रूफ हो चुकी है. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक द एग दैट वी बीट अर्लियर, और अब जो है मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा ब्रश करूँगी अच्छी तरह से. जो है हम उसको ब्रश कर लेंगे. तो जैसे ही एग वॉश आपका लग जाए, उसके ऊपर से जो है वो एक अच्छा फ्लेवर एंड फॉर गुड प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मैं ऊपर से थोड़े से वाइट सेसमी सीड्स डाल रही हूँ. और इनसे जो है वो एक तो लुक भी बहुत अच्छी आती है, दूसरा एक अच्छा टेस्ट भी आता है. तो अब जो है हम अपने स्लाइडर्स को बेक कर सकते हैं. सो यू आर गोइंग टू पुट दिस इनसाइड द ओवन इन अ प्रीहीटेड ओवन एंड यू आर गोइंग टू बेक दिस एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, या फिर जब तक डो जो है वो आपकी फुली कुक ना हो जाए. सो इन द मीन टाइम वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग चिकन. तो इन अ पैन मैंने अबाउट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट ऐड कर दिया है.
जिसको मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। उसके अंदर यहाँ पे मैंने अबाउट वन स्मॉल साइज अनियन फाइनली चॉप करके डाल दिया है और इसको जो है वो मैं थोड़ा सा पकाऊंगी जब तक कि हल्का सा ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो वंस द अनियन इज ट्रांसलूसेंट आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 1 teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर फॉर सीजनिंग और फिर मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स करूँगी। So once the spices and seasonings are added, I'm going to add about 1 tablespoon of tomato, जिसको मैंने finally chop कर लिया है। टमाटो के बाद जो है वो यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने प्री बॉयल्ड चिकन लिया है जिसको मैंने बॉयल करके बोनलेस चिकन को और उसको श्रेड कर लिया है। एंड आई बॉयल द चिकन विद अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड पेपर फॉर एडेड फ्लेवर। और अब जो है वो हम कुछ सॉस ऐड कर देते हैं। सो हियर आई हैव इज मैंगो चिली सॉस, तो यहाँ पे मैं नेशनल की यूज़ कर रही हूँ, आप जो मर्जी ब्रांड मिले आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 tablespoon ऑफ मैंगो चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है अबाउट 2 tablespoon ऑफ टमाटो केचप। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सॉस डालने से जो है वो चिकन का टेक्स्चर बहुत मज़े का होता है एंड ऑब्वियसली द फ्लेवर ऑल्सो एनहांसेस। और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पे हमारे स्लाइडर्स भी कितनी अच्छी तरह से तैयार होकर आ गए एंड यू कैन जस्ट सी हाउ सॉफ्ट एंड डिलिशियस दे लुक बाय देमसेल्फ ओनली। तो अब जो है वो हम स्लाइडर्स को पैन से रिमूव कर लेंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेयरिंग। और अब जो है वो मैं इसको कटिंग करूँगी, इसकी मिडल से जो है वो हम इसको कट कर लेंगे। एंड ऑन द बॉटम लेयर आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 2 tablespoon ऑफ मेयोनीज, इससे जो है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मेयोनीज के ऊपर जो है वो मैंने जो श्रेडेड चिकन तैयार किया था हमने वो भी लगा दिया है, उसकी लेयर लगा दी है। एंड मेक श्योर यू स्प्रेड दिस वेल, इवनली स्प्रेड कर लें इसको। टू ऐड अ डिलीशियस फ्लेवर एंड सम एडेड कलर, यहाँ पे मैं कुछ ग्रीन बेल पेपर्स ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको जूलियंस में भी कट कर सकते हैं, सब टू यू। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी सी येलो बेल पेपर्स भी ऐड कर दी हैं। And now for some added spice, यहाँ पर मैं green chili add कर रही हूँ which is I cut it into slices. So now I'm going to add cheese. तो यहाँ पर मैं cheddar cheese slices add कर रही हूँ। आप चाहें तो आप grated cheddar cheese या grated mozzarella भी use कर सकते हैं, लेकिन cheese के जो slices होते हैं उनसे flavor relatively better आता है, तो हम इसलिए ये use कर रहे हैं। और जैसे ही जो है वो आपकी एक cheese की layer लग जाए तो अब जो है वो हम इसके ऊपर जो हमने top वाला portion separate किया था उसको भी रख देंगे। और यहाँ पे अब आप देख लें कि हमारी ब्रेड कितनी सॉफ्ट है। और अब जो है वो मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा मेल्टेड बटर के साथ ग्रीस करूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए एंड गिव्स अ रिच फ्लेवर। आई एम गोइंग टू पुट दिस इन द ओवन वंस अगेन एट 180 degrees। और यहाँ पे आपने सिर्फ तब तक पकाना है जब तक कि जो अंदर वाली चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और फिर जो है वो मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर चिकन स्लाइडर्स आर रेडी। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको इनसाइड लुक दिखाने के लिए एक पीस कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कितना जूसी है। सो यू कैन जस्ट सी हाउ जूसी दिस लुक्स ऑन द इनसाइड एंड द डो इज रियली सॉफ्ट एंड दिस इज ऑलरेडी मेकिंग माई माउथ वाटर। सो मेक श्योर यू डू ट्राई दिस रेसिपी। और जब आप ये रेसिपी बना के अपने बच्चों को टेस्ट कराएंगे सो दे विल डेफिनेटली लव दिस। और इसके अलावा जो है वंस यू मेक दिस मेक श्योर यू सर्व दिस हॉट, इसका अपना गर्म गर्म ही मज़ा है। So anyways, that's it for today's video. I hope you enjoyed it. If you did, then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon. And I will see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice day.